ਸਤਿਗੁਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਰੰਗ ਮਨ ਤੋਂ ਤੇਰ
ਧਰਮ ਬਚਾਇਆ ਗੁਰਮੁਖ ਖੂਨ ਜਿਸਮ
गुरु तेग बहादुर महाराज ये तीन जन्म दाती है औलाद बीबी वीरो बाबा गुरदत्ता जी तो छोटे ते बाकी चार साहबजादों को वड्डे सन बीबी वीरो जी सूरजमल जी ते गुरु तेग बहादुर महाराज ये माता नानकी जी की कुखों पैदा हुई टेका पिंड उन्होंने बकाला है अज बाबा बकाला कहने ये दूजी औरत नानकी इसका खिताब है माता नानकी जी तीजी औरत है बदनसीब सिख राज घराने की जनरल शाम सिंह अटारी वाला की सपुत्री शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह की पोतरी नौ महाराजा खड़क सिंह की नौ महाराजा नौ निहाल सिंह जी की महाराणी इसका नाम है महाराणी नानकी ये अपने जुर्मो तशद का शिकार हुई माता नानकी जी की कुखों गुरु तेग बहादुर महाराज जी का नौवें पातशाह जी का जन्म हो मैं आप जी विचार साझे कर दिया पिछले कुछ दिन जी बिनी कर चुका विचार कर दिया कल शाम के दीवान की समाप्ति के वक्त तक ढाई जत्थे ने आप इतों तक पुजे सी कि नौवें पातशाह जी को गिरफ्तार करने वास्ते औरंगजेब ने शेरे अफगान इफ्तियार खान सूबेदार दे भेजे हुए मेजरनामे से चिट्ठी उत्ते सिपाही आनंदपुर साहब भेजे सतगुरु तेग बहादुर महाराज उस तो पहला आनंदपुर साहब को रवाना हो चुके सर जो तो सिपाही आए गिरफ्तारी के वरंट लैके सच्चे पातशाह इतने नहीं मिले वो वापस औरंगजेब को चले गए औरंगजेब ने इस गल का फिक्र लगा कि गुरु तेग बहादुर महाराज मेरे खिलाफ हिंदुस्तान विच बलवा जरूर भड़काउणगे लोगों के दिल अंदर बगावत होगी उन्होंने नौवें पातशाह जी की गिरफ्तारी के वरंट जारी करदे ही इनाम रख दिता उस वेले नौवें पातशाह गुरुदेव सच्चे पातशाह आगरे ने आगरे के इलाके गए हो गए जो सचखंड श्री हजूर साहब को दर्शन कर जाइए आगरे के रस्ते के बीचों ही होके जाइए दौरान सफर आगरे निशानियां मौजूद हैं दास भी गया बहुत बार उसे आगरे के लिंगे पासे गुरुद्वारा अज है गुरु का ताल लंगर साहब वाले महापुरखा ने बाबा प्रधान सिंह जी की संपदा ने उसकी सेवा करवाई है उधर नेड़े एक बाग है ये बाग ते गुरु का ताल गुरुद्वारा बहुत ही दूर नहीं नेड़े है खेता विच है नौवें पातशाह महाराज इत्थे मौजूद ने बकरियां चारन वाला एक अयाली सच्चे पातशाह दे कोल आया कहन लगा मैं की सेवा करा तुहाडी हजूर सतगुरु कहन लगे असी प्रशादा छकना है शहर विचों रसन खरीद के लिया कहिंदा जी मैं ते गरीब हाँ तरीक विच ते इह वी लिखिया मिलदा है कि इह अरदासा करदा रहिंदा हुंदा सी कि ते मेरे कोल आ जाओ मैं गिरफ्तार तुहानूं करावां क्योंकि उहदी लड़की दा विआह सी ते लड़की दे विआह वास्ते पैसिआं दी जरूरत सी ते तमन्ना इह है कि जे महाराज नूं मैं गिरफ्तार करवा दिया उह इनाम मैनूं मिले मैं अपनी धी दा विआह करा सैयद हसन अली दा नाम है अजाली है बकरियां चार लै हजूर सच्चे पातशाह जी अपने को एक अंगूठी दिती ते नाल कीमती दिशाला दिता रसद खरीद के लिया बाजार में चला गया रसद जो खरीदी है पैसों के वटे उन्हें अंगूठी दिती दुकानदार ने दुकानदार अंगूठी वेख के उहदे च हीरा चले हुए सी कहण लगा इन्नी कीमती तेरे कोल कित्थों आई कहिंदा मेरे कोल हिंदुआं दे पीर बैठे है उन्होंने दिखती है उस दुकानदार ने किले के किलेदार सदर दीन उस वे खबर पहुंचाई कि हिंदुआ के पीर के खिलाफ से वरंट जारी हो सरकार वालों इनाम रखा गया है यो आगरे के नेड़े बैठे है दो गुरुद्वारे ने एक माई थान आगरे के शहर में है एक बार गुरु का ताल वो जगह बकरी है जिथे हसन अली बकरियां चारदा सी उत्थे भी जगह बनी गई है गुरु ग्रंथ साहब महाराज का प्रकाश है ये तीन निशानियां गुरु तेग बहादुर महाराज की गिरफ्तारी को आज के युग में दर्शाउंदियां ने नौवें पातशाह महाराज जी नूं सदर दीन किले का आगरे का
किलेदार है, फौज लेके आया, गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली खबर भेजी के पी ने हिंद गिरफ्तार किए गए हैं। औरंगजेब ने जवाब देके आख्या कि उन्होंने हथा हथकड़िया पैरों बेड़िया ला के मेरे दरबार पेश किया जाए। हुक्म की तामील हुई। नौवे गुरु सच्चे पातशाह जी को तीन सिखा समेत गिरफ्तार किया गया, दो सिख गिरफ्तार नहीं हुए। यह गुरसिख ने भाई गुरदत्ता जी ते भाई नानू छीबा, यह गुरसिख गिरफ्तार नहीं हुए। ये नाल सन भाई मतीदास, भाई सतीदास, भाई दयालदास। दयालदास दुर्ट जट है पिंड कैगोवाल प्राण, अज का ना है लौंगोवाल। यह प्रसिद्ध शहीद भाई साहब भाई मनी सिंह जी के सके चाचा जी है भाई दयालदास। ये महाराज के नाल गिरफ्तार किए गए, बंदी बना के आगरे तो मथुरा के रस्ते सतगुरु तेग बहादुर महाराज को दिल्ली पहुंचाया गया। औरंगजेब के दरबार में सच्चे पातशाह जी को एक कैदी की हैसियत पेश किया गया। औरंगजेब बड़ा फरेबी आदमी सी, उन्हें यकदम आख्या सदरदीन इन्हें गुस्ताख आदमी को मैं तीरे हिंदू इस तरीके अपने दरबार में पेश करने वास्ते नहीं सी आख्या। ये गुस्ताखी है तेरी, इन्होंने हथकड़िया जंजीर खोल दो। ओदी के चाप मुसी की खबर सी कि मेरी इस गल नूं सुन के गुरु तेग बहादुर महाराज उत्ते प्रभाव पवेगा कि मैं नहीं सी आख्या इस तरह भेजो। यह सतरदीन ने अपनी मर्जी की है। गुरु तेग बहादुर महाराज जी के हथों में हथकड़िया से लगिया पैरों में बेड़िया उस वे तोड़ दिखाई गई। औरंगजेब ने फरेबी चाल चली, कह लगा पीरे हिंद मेरे गुस्ताख सिपाहियों ने तो इस तरीके का पेश किया, मैं इस गल का माफी का खासकार आते तो बहुत सोहनी एक चौंकी बिछाई गई है। ये आसन ग्रहण करो, बैठो, सवाय मारो। हजूर कह लगे शहनशाह असी तेरे दरबार में कैदी की हैसीयत में आए हैं, ना कि इस सन्मान की हैसीयत में नहीं। तू अपने वालों दस की कहना चाहना। कह लगा पीरे हिंद मेरिया गलों ने इन्हों का साफ जवाब देना। कुछ हजूर सच्चे पातशाह महाराज कह लगे दसो औरंगजेब हूँ अपने वालों अपन कई हुई गल सतगुरु गुरु तेग बहादुर महाराज सामने जो कुछ कह रहे हैं उस वेले का नक्शा है, वलटोए का ढाडी जत्था बेड़े करता है। यो अर्ज किया, यो बेनती है। Oh,
कह लगे बस बस गुरु जी, शहनशाह हिंद मुइनुद्दीन मोहम्मद औरंगजेब आलमगीर सानी नु एयो बचुगा जना छ। अपने सवाल का जवाब सुनने की कोई आदत नहीं, मेरिया तीन गल्लां ने प्रवान करो जान। आखिरी गल सजाए मौत, यह तुहाडे उत्ते लागू की जाएगी। हजूर सच्चे पातशाह कह लगे तू दो तो एक धर्म करना चाहना है, तीजा धर्म तो शुरू हो चुका है, धर्म तो तीन चल रहे ने, दो तो एक किवें करेगा? एक सवाल करोगे तीजा धर्म मारिया सिक्का जगत विच नानक निर्मल पंथ चलाया, बाबा नानक जी ने निर्मल पंथ इस पंथ की शुरुआत की थी सी, ते गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने इस खालसा बनाया। यह 1656 ईस्वी 1656 बिक्रमी की विसाखी 99 ईस्वी की विसाखी वाले दिन होया। सतगुरु कलगीधर महाराज जी ने इसनु खालसा बनाया। खालसा पंजाबी का शब्द नहीं, सभी साजी लिपि गुरुमुखी भाषा का शब्द नहीं, खालसा अरबी का शब्द है। यह खालसा शब्द मक्के विच उठिया जी। गुरु नानक देव महाराज जो मक्के विच गए उन्होंने काजी रुकम दीन नाल विचार की करनी नामा बाणी, आज श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज अंदर दर्ज नहीं पर साडे कोल मौजूद है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਵੇ ਦੁਲਾਵੇ ਵਿਚਾਰੇ ਕੁਤਾਏ ਹੋਕਾ ਨਰਾ ਕੇ ਅਕੇਲਾ ਨਾ ਖਾਏ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬਾਣੀ ਹੈ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਆਕੀ ਰਹੇ ਨਾ ਕੋਏ, ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲੇਗੇ ਬਚੇ ਸ਼ਰਨ ਜੋ ਹੋਏ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਮੁਖਾਰ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕਾਵ ਰਚਨਾ ਕਵੀ ਦੀ ਨਹੀਂ। राज करेगा खालसा आकी रहे ना कोई, ख्वार होए सब मिलेगे बचे शरण जो होए, फौजा फिरना काल किया मकड़ी न्याई होए, नीला बाणा पहन के और ना दिसे कोए। एक करनी नामा बाणी गुरु नानक देव महाराज ने पावन मुखार दिन तो उच्चारण की, काजी रुकम दीन नु आख्या मके की धरती अंदर उच्चारण की है। खालसा गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने बनाया, निर्मल पंथ सतगुरु नानक देव महाराज जी ने चलाया। नौवे पातशाह कह लगे तीजी धिर तीजा पंथ इस दुनिया विच ते उजागर हो चुका है, तू दो तो एक करना चाहना, ये तेरी गल निर्मूल है बेबुनियाद है। कह लगा एक उस्ताद फकीर नु कैदखाने च बंद कर दिता जाए, इहदे उत्ते सजाए मौत का फतवा लागू किया जाएगा। सतगुरु तेग बहादुर महाराज जी नु गिरफ्तार करके पिंजरे विच बंद किया गया। ਇਹ ਪਿੰਜਰਾ ਐਸਾ ਸੀ ਜਿਹਦੀਆਂ ਸਲਾਖਾਂ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਕੈਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੇ ਚੱਜ ਨਾਲ ਖਲੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਆਰਾਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਬੜੀ ਦੁਖਦਾਈ ਸਜ਼ਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ੀਸ਼ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਇਹਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਅੱਜ ਤੇ ਸਰਾਂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਕੋਤਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਉਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ੀਸ਼ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕੰਧ ਨਾਲ ਲਹਿੰਦੇ ਪਾਸੇ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਹੀ ਮਸਜਿਦ ਮੌਜੂਦ ਖਲੋਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਗੁੰਮਦ ਉੱਤੇ ਸੋਨਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮਸਜਿਦ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਸੀਤ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਕੇ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਜ਼ੀ ਅਬਦੁਲ ਵਹਾਬ ਵੋਹਰਾ ਇਹ ਸ਼ਾਹੀ ਕਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਜਲਾਲੋਦੀਨ ਜਲਾਦ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ? ਕੁਝ ਤਾਰੀਖ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਗੰਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਭੂਤਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੰਨੇ ਚੁੱਕੇ ਜੂਠੀਆਂ ਛਿੱਲਾਂ ਭਾਈ ਮਾਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਚੁੱਕ ਲਈਆਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੈਸੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਰਮੂਲ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਗੱਲ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅਬਦੁਲ ਨਾਂ ਦਾ ਦਰੋਗਾ ਜਿਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਤੇ, ਇਹ ਸੂਫੀ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਚੇਲਾ ਸੀ,
लाहौर वाले साईं मियां मीर का चेला है ते एस अब्दुल ने साईं मियां मीर को नौवे पातशाह ते गुरु तेग बहादुर महाराज ते गुरु अर्जन देव महाराज जी दियां ते गुरु नानक देव महाराज जी दियां जिंदगी दियां दास्तां कहानियां सुनियां सन। इहदे दिल अंदर सिखी जज्बा सी, इहने महाराज दे चरणां विच आण के बेनती कीती सी, सतगुरु जी मैं साईं मियां मीर का चेला है, मेरे उत्ते विश्वास करियो, क्योंकि साईं मियां मीर हजरत निजामुद्दीन औलिया दी बारगाह ते अक्सर मेरे दे आउंदे सी, मैं उहनां नाल संगत कीती है, साईं जी दे प्रवचन जिहड़े है ओह गुरु तेग बहादुर महाराज दे दर्शन कीते सी, उहनां ने निहाल हो गए सी। मैं इस गल नूं मनदा है, मैं तुहाडे नाल इह वफादारी निभावांगा, पिंजरे दियां सलाखां खोल के मेरे कोल चाबी है, मैं तुहानूं लै चलदा, आओ चलिए मैं तुहाडी सेवा करांगा, बाहर निकल चलिए इस कैदखाने विचों। हजूर सच्चे पातशाह कहण लगे, अब्दुल साडे वीर असी फरार होण वास्ते नहीं आए, असीं ते खुद अपने आप नूं सरकार दे हवाले कीता है, असीं जुलमत शब्द तों डरन नहीं आए, सरकार नूं सच दा सुनेहा देण वास्ते आए, जुलमी परिवार नूं अंदर कराउण वास्ते आए, गरीबां दे खून विच जिहड़ी अपनी प्यास बुझाई। अब्दुल ने नौवें पातशाह महाराज वास्ते प्रसादा तैयार करवा के लिआंदा सी। अब्दुल दरोगे ने ते नौवे पातशाह महाराज जी ने कुछ छकिया, क्योंकि उन्हें विश्वास दवाया सी कि मैं साईं मियां मीर दा चेला हाँ, ते साईं मियां मीर बारे तुसीं चंगी तरह जानदे हो। अब्दुल ने गुरु तेग बहादुर महाराज जी उत्ते विश्वास लिआंदा सी, वफादारी दा ओह हल्फ चुकदा सी, ते सच्चे पातशाह जी ने उहदा कुछ प्रशादा ग्रहण कीता, बाकी दा भाई मती दा सती दा दयालदार जी ने दित्ता। बेनती की थी, महाराज ये सिखा आखो प्रशादा छक लै, मेरी बेनती प्रवान करो। मती दास जी जो प्रशादा छके ना, तो मती दास विच सिखी जज्बा केवल उधर नहीं रहा, सिखी जज्बा तो पहले ही सी, सिखी जज्बा गुरसिखा विच पहले ही सी। मती दास ने आख्या, महाराज मैं इस पिंजरे दी सलाखा का दुख नहीं चल सकता, आओ चलिए। हजूर सच्चे पातशाह कह लगे, मती दास असी आप खुद पेश हो रहे हैं, ते गलम पहरेदार काजी सिपाही सुन रहा है कि मती दास ने आख्या, महाराज मैनू हुक्म करो, मैं पिंजरे दियां सलाखां तोड़ दिया, हुक्म करो, तुहाडे हुक्म दी पालना है। जदों गुरु अर्जन साहिब महाराज ग्वालियर के किले विच बंद सन, बाबा बिधी चंद ते भाई जेठा जी लोहारा की दुकान उत्ते लोहा पुट के दिहाड़ी करके पैसे लेके राशन खरीद के गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज वास्ते प्रशादा तैयार करवाउंदे। बाबा बुढ़ा साहिब ने आख्या सी, जदों जत्था लैके पहला जत्था लैके बाबा बुढ़ा साहिब गए, सिखी दे सब तो पहले सिख हैड ग्रंथी, उन्हें बाबा बिधी चंद नूं वेख के आख्या, सिख कि कारे लगे हुए ने बाजार विच। बाबा बुढ़ा जी वाले वेख के बाबा बिधी चंद कहने लगे, असी गुरु साहब वास्ते प्रशादा तैयार करवाउंदे। बाबा बुढ़ा साहब ने आख्या, सिखो ओ कुछ करो, ते बाबा जेठा सिद्धुआ पिंड दे रहण वाले ढिखवण दे लागे पिंड है सिद्धुआ पिंड दे, कहण लगे अज ही शाम नूं हो जाएगा, ते उसे शाम ही ये दोवें सिख शेर बन के जहांगीर बादशाह की छाती उत्ते चढ़े सन। ये दोवें सिख बाबा बुढ़ा साहब ने कहने, भाई मती दास ने आख्या, महाराज मेरे च एडी ताकत है, मैं सलाखा तोड़ सकदा। हजूर सच्चे पातशाह कहने लगे, मती दास तेरे च एडी ताकत आई है, ते जेड़े पिंजरे च बंद है उन्हां च किन्नी कु ताकत होगी। मती दास सुन के खामोश हो गया, पर अगले दिन औरंगजेब दे दरबार च शिकायत गई कि गुरु दास सिख गुरु नूं कहिंदा मैं पिंजरे दियां सलाखां तोड़ दिया, मैं बादशाह गल कर दिया, मैं बहुत कुछ कर सकता। मती दास नूं कैदखाने विचों कढ के औरंगजेब दे दरबार च पेश कीता, जिस कैदखाने च सिख बंद हुंदे सन उत्थे शीशगढ़ साहब दे सामने पहला मैजेस्टिक नां दा इक सिनेमा हाल हुंदा सी। अज ओह गुरु की संगत ने बाबा हरमन सिंह दिल्ली वालिआं ने जगह 9.5 करोड़ रुपये की खरीद के उत्थे म्यूजियम बनाया हुआ है, उहदे विच सिख म्यूजियम है, सिखां दीआं कुरबानीआं दी
बहुत वड्डी चित्रकारी लगी हुई प्रदर्शनी है। यह जगह उत्ते भाई मतीदास ते भाई सतीदास भाई दयाल दास बन सन। सतगुरु तेग बहादुर महाराज जी तो पहला मतीदास नूं कैदखाने च बंद किया होया सी। कद्ध के औरंगजेब दे दरबार च लिआंदा। औरंगजेब ने एक सवाल रखिया, मतीदास हैगा तो ब्राह्मण है, शुभर ब्राह्मण सी, कड़ियाल पिंड दा रहण वाला, भाई परागा जी का पोतरा हीरा दास का पुत्र, मैं कल गल कर चुका, जो भी तू कहना है करके विखा। मतीदास ने आख्या औरंगजेब, औरंगजेब अब की दा शब्द है औरंगजेब, औरंगजेब का दुनिया जेब दा अर्थ कब्जा, जेब इहनू तां असीं चंगी तरह जाणदे, क्योंकि 650 साल 700 साल साडे उत्ते इस्लाम का राज रहा है। इस्लाम दीआं गल्लां अजे भी साडे उत्ते लिखीआं होईआं ने। जेब अरबी का शब्द है, जेब औरंगजेब दुनिया उत्ते कब्जा करन वाला आलमगीर सानी मौजूदगी मुहम्मद रसूल अल्लाह। औरंगजेब ये गल्लां करन वालीआं नहीं, नौवे गुरु देव मैनू हुक्म करदे सब कुछ हो चुका हुंदा, मैनू तो गुरु ने हुक्म नहीं किया, मैं तो गुरु के हुक्म च बता। इस सिख के दिल अंदर सिखी जज्बा है, इहनू आरे नाल दो फड़ करके इहदे दिल अंदरों खून कढ के इहदा जज्बा कढ के मिट्टी च मिला दिता जाए। ये पहली कुरबानी सी गुरु तेग बहादुर महाराज के शहीद होने तो पहला। नौवें पातशाह गुरु तेग बहादुर महाराज जी की शहादत तो बाद, क्योंकि गुरु हरगोबिंद साहब महाराज के वक्त तो चार जंगा हुई, वड्डियां छोटियां सात वड्डियां चार, इन्हां च सिख शहीद होए और लड़ाई के मैदान दी शहादत ने। गुरु तेग बहादुर महाराज जी की शहादत तो पहला नौवें पातशाह गुरु तेग बहादुर महाराज तो पहला गुरु अर्जन देव महाराज जी ने लाहौर शहीद किया गया। उन्होंने शहादत तो बाद दौरान एक सिख की ऐसी शहादत है जिस शहादत ने पूरी दुनिया में एकड़ा झंझोड़ के रख दिता। मतीदास लिया चांदनी चौंक अंदर बन के फटिया एक नुकरे खड़ा जलाद बोले, मतीदास ना दूसरी गल होने मंग रहा जो तेरी इच्छा आई पूरी इस वेले घड़ी पल हो। मतीदास ने मोर जवाब दिता, ओ मुश्किल हाथ में मेरी हल होवे, मेरे शीस उत्ते जो चले आ रहा मेरा मुख गुर पिंजरे हल हो। जिस प्यारे से नहीं हो तिस आगे मर चलिए, एक जीवन संसार ताके पाछा जीवन, मेरा मुंह मेरे गुरु के पिंजरे वल रखियो। जे जलादा ने भाई मतीदास जी दे शीस उत्ते आधा रख के दो फार करना किवें शुरू किया, ये स्वर्गवासी मेरे उस्तादां दी दुनिया विचों ज्ञानी गुरदीप सिंह साजल जिन्हां दा पहला पिंड आसल उकाड़ मेरे पिंड वटोआ दे कोल है, उत्थों लुधियाने जाके आबाद होई आलमगीर रोड ते उन्हां दी नज़म लिखी है। वटोए दा ढाडी इह भगणी करदा सुणीए, इहों अर्ज कीता इहों बेनती है। Thank you.
अंत
सतगुरु गुरु तेग बहादुर महाराज जी नु शहीद कीता गया। सतगुरु कलगीधर महाराज जी ने 6 साल बाद पौंदा साहब जी साहब जमीन ते बह के बचत नाटक की रचना की थी, जिदे तो लिखते की कपोर दलीस सिर बापुर कियो प्यान तेग बहादुर सी क्रिया करी मैं किनु हुआ अजिही कुर्बानी अज तक किसी ने की नहीं। सुनिए जरा उस वेले का नक्शा, मैं कोई रात नहीं है सब क्यों कह रहे नाम तलवार दे चुकी है, शीश पहले ही लागू हो गया, अजय भलेखे पाए गए।
और भी बहुत सारी घटना मैं बिने भी करनी चाहूंगा। सतगुरु तेग बहादुर महाराज जी ने शर्त दसिया गई, शर्त दसन वाला काजी अब्दुल वहाब गोरा सी, एक काजी दीन खान का सका चाचा लगता सी, सारी काजी है। सतगुरु तेग बहादुर महाराज बैठे ने, जपजी साहब का जाप किया उन्होंने, अजय खूब मौजूद है जितो इशनान किया है। जपजी साहब का जाप करने के बाद नौवें पातशाह जी ने गुरु की बाणी को नमस्कार की। जो असं बाणी पढ़ते हैं तो बाणी की समाप्ति होती है, उदो असं अज भी नमस्कार करते हैं गुरु की बाणी की समाप्ति में। यह सम्मान है गुरु की बाणी की समाप्ति का। तो नौवें पातशाह जी ने जो अंत सलोक पढ़िया पवन गुरु पाणी पिता उसकी समाप्ति करद्या शीस झुकाया। जलालुद्दीन जलाल ने सतगुरु महाराज उत्ते वार किया, वार नाल शीस धर नालों अलग होया। उस वेले एक जलजला आया, तूफान आ गया, हनेरी आई, हवा तेज चल पई। एक मैनू भी पता, साडे बजुर्ग दसदे हुंदे सी जदों भी कितने हनेरी आउणी है बड़ी बड़ी, आखना कितने अनर्थ होया होवेगा। हनेरियां होंदियां ने कितने, जरूर अनर्थ अनर्थ होता है जेड़ा जुल्मों ते शब्द दे रूप च होवे, किसे बेगुनाह नूं मारिया जाए जां किसे बेगुनाह दा घर लुटिया जाए, अनर्थ होया तां ही हनेरी आई है। सतगुरु तेग बहादुर महाराज जी नूं शहीद कीता गया, जलजला आया, तूफान आया, भूचाल आया। इसे ही समय दौरान लाल किले विचों लैके गड्डिया का लारा, इहदा 700 गड्डा है, लखी शाह का नाम है, बंजारा बरादरी का, इहदी धी भाई साहब भाई मनी सिंह नाल ब्याही होई, सलजोई उस कुड़ी का नाम सी, भाई मनी सिंह दा रिश्ते विचों सौरा लगदा। इहदे 7 पुत्र ने, इह 7 पुत्रां नगाईआ हाड़ी हेमा कथा नथा ज्वार नंदा ते चंदा, इह कलगियां वाले पातशाह कोलों अमृत छके सारे सिंह बन गए सी। और इन्हां दी इन्हां विचों कुछ सिंहां दी शहादत चमकौर दी जंग विच होई है। ज्वार सिंह, नथा सिंह ते कथा सिंह, माता सुंदरी जी ते माता साहिब कौर नूं लैके जदों सतसंग जी तों विछड़े इह दिल्ली लैके आए सी, ज्वार सिंह दी हवेली अज भी मौजूद है, माता सुंदरी जी इहदे कोल रहे सन, इह लखी शाह बंजारे दा पुत्तर सी। ज्वार, नथा, कथा, हाड़ी, हेमा, नंदा ते चंदा, इह सारे सिंह बन गए सन। इन्हां दा गुरु इतिहास विच वखरा ही इक स्थान है। ਇਹ ਗੱਡਿਆਂ ਦਾ ਲਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਸਮੇਤ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਪੀਰੇ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿੱਛੇ ਹਟੋ, ਲਾਲ ਕਿਲੇ 'ਚ ਚੂਨੇ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਛੇਤੀ ਉਹਨਾਂ ਪਲਵਨ ਤੋਂ ਚੂਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਛੇਤੀ ਉਹਨਾਂ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘਿਆ। ਇਸ ਗੱਡਿਆਂ ਦੇ ਲਾਰੇ ਵਿੱਚ ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਪਹੀਆਂ ਨਾਲ, ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ, ਗੱਡਿਆਂ ਦੇ ਪਹੀਆਂ ਨਾਲ ਉੱਡੀ ਹੋਈ ਧੂੜ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਡੋ ਗਵਾਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਹੀ ਗੱਡੋ ਗਵਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਚੇਤਾ ਜੀ ਨੇ, ਬਾਅਦ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪੁੱਤਰ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿੰਦੀ ਔਲਾਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਨਾਤੀ ਪੁੱਤਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਇਹ ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀਓ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਰਹੇ। ਇਸ ਗੱਡੋ ਗਵਾਰ ਵਿੱਚ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸੀਸ ਨੇ ਬੜਿਆ ਦੋ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ, ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਬੰਦ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤਰਾਵੜੀ, ਕਰਨਾਲ, ਅੰਬਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਨਾਭਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਇਹ ਪੜਾਅ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੁਣੀਏ ਜਰਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪੜਾਓ ਕੀਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ
जी साहब मौजूद है, शीशगंज साहब मौजूद है, परावड़ी किले तो बार बार छोटा जा किला है आज भी मौजूद है, दास बहुत बार आज उठे बड़ा भारी मेला लग रहा है आज मगर श्री पंचमी गुरु तेग बहादुर महाराज जी की याद परावड़ी बहुत बार इंडिया होना तो दास का प्रोग्राम अक्सर उठे होता है। सतगुरु तेग बहादुर महाराज का शीश लेके एक धोबी के दरवाजे के आम खलोता है, नाम है देवा राम धोबी, इन्हें खड़काया दरवाजा, देवा राम ने आवाज देके आख्या कौन है, छामा पै गया हनेरा हो चुका है। भाई जैता जी ने आख्या गुरु का सिख, देवा राम नु इस गल का पता सी कि नौवें पातशाह गुरु तेग बहादुर महाराज दिल्ली गए ने, छेती ना भज के दरवाजा खोल के पुछण लगा सिखा कितों आया है। भाई जैता जी ने आख्या मैं दिल्लियों आया। देवा राम का अगला सवाल सी, कह लगा सिखा दे गुरु की गल, हम दर्द है दर्द रखने वाला, कहना सिखा दे गुरु की गल। भाई साहब कह लगे गुरु जी शहीद कर दिते गए ने, शीस मेरे को धन उथे प्या रही है, अंदर लै गया छेती न। देवा राम घर वाले कहता छेती न एक चौंकी तैयार करो, स्वच्छ कपड़ा विछा दिता गया, नौवे पातशाह रखा गया, आप शीस चौर करता है कपड़े नाल, भाई जैता जी वास्ते घरवाली ने प्रशादा तैयार किया। सारी रात भाई जैता जी इत्थे रहे ने, अगले दिन सतगुरु तेग बहादुर महाराज का शीस लेके कुरुक्षेत्र अंबाला के पड़ा ने मौजूद अज भी उत्थे गुरुद्वारा साहिब, फिर चंडीगढ़ आया नाभा साहब, उस तो अगे कीरतपुर साहब यूं आ रहा जंगली रस्तियां नूं चीरदा सतगुरु कलगीधर महाराज कोल कीरतपुर साहिब तक अपड़िया। अगले विचार फिर भी नहीं करांगे, अज असी जिथे नौवें पातशाह गुरु तेग बहादुर महाराज जी का नौवें पातशाह जी का अपने दिल के सागर दीआं गहराइयां विचों श्रद्धा नाल सतगुरु जी का शहीदी जोड़ मेला मना रहे। एक बेनती प्रवान करो, गुरपुरब पर्व संस्कृति का शब्द है, पर्व का अर्थ है खुशी, गुरु का पर्व खुशी नाल मनाया जाता है, शहीदी जोड़ मेले मनाए जाते, जोड़ मिल के बैठना होए इकत्र, मिलो मेरे भाई दुखदा दूर करो डिवलाए, हर नामे की हो जोड़ी गुरमुख बैसो सफा।